हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा कि एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स क्या होता है, और एसिमेट्रिकल नेटवर्क जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे हैं इमेज इम्पीडेंस हुआ, इटरेटिव इम्पीडेंस हुआ, इमेज ट्रांसफर इम्पीडेंस हुआ, इन सब के बारे में हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे और ये भी देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे और बहुत कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क होता क्या है। तो यह वह नेटवर्क होता है जिसके की इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को परस्पर इंटरचेंज कर देने पर भी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एसिमेट्रिकल नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जैसे इमेज इम्पीडेंस हुआ, इटरेटिव इम्पीडेंस हुआ, इमेज ट्रांसफर इम्पीडेंस हुआ, ये सब भी चेंज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है एसिमेट्रिकल नेटवर्क के वो कौन कौन से होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो है इटरेटिव इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस, इमेज ट्रांसफर इम्पीडेंस और इटरेटिव ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये सारे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसके, एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स के। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जानते हैं इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। किसी टू पोर्ट एसिमेट्रिकल नेटवर्क की इटरेटिव इम्पीडेंस वह इम्पीडेंस होती है जिसको एक पोर्ट पर कनेक्ट करके दूसरे पोर्ट से मेजर करने पर वही इम्पीडेंस प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, यह इसका आउटपुट पोर्ट है, यह इसका इनपुट पोर्ट है। ठीक है, और यह इसके आउटपुट पोर्ट पे एक इम्पीडेंस है ZIT1। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ से इनपुट पोर्ट से मेजर करेंगे तो भी इनपुट जो इम्पीडेंस होता है उसको मेजर करेंगे तो क्या आएगा, ZIT1 जब आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, जो ZT1 होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं इटरेटिव इम्पीडेंस। ठीक है, इसके आउटपुट पर कनेक्ट करें या इनपुट पर कनेक्ट करें इम्पीडेंस को, और जब इनपुट या आउटपुट से मेजर करेंगे उसको, एक पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे इम्पीडेंस को, दूसरे पोर्ट से जब हम लोग मेजर करेंगे तो सेम इम्पीडेंस आएगा, तो इसको इटरेटिव इम्पीडेंस बोलते हैं। यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हैं एक एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, यहाँ पे एक इसके इनपुट पोर्ट पर कनेक्ट किया गया है इम्पीडेंस ZIT2 को। ठीक है, यहाँ से जब आउटपुट पोर्ट पर हम लोग मेजर करेंगे इम्पीडेंस को तो सेम वही आएगा ZIT2, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल नेटवर्क, और जो ZIT2 है वो भी इटरेटिव इम्पीडेंस कहलाएगा। यह हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा इमेज इम्पीडेंस क्या होता है। तो इमेज इम्पीडेंस, किसी नेटवर्क की इमेज इम्पीडेंस वह इम्पीडेंस होता है जो नेटवर्क के इनपुट या आउटपुट टर्मिनल या पोर्ट पर एक साथ इस प्रकार कनेक्ट की जाती है जिससे कि प्रत्येक टर्मिनल पर दोनों दिशाओं में समान इम्पीडेंस प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेज इम्पीडेंस। इस फिगर से देख सकते हैं यहाँ पे एक एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, यह इसका इनपुट पोर्ट है, यह इसका आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट पोर्ट है यहाँ पे एक इम्पीडेंस कनेक्ट है ZIT2, और जब इसको हम लोग इनपुट पोर्ट से मेजर करेंगे इम्पीडेंस को तो ZI1 आएगा। पुनः इसी ZI1 इम्पीडेंस को हम लोग किसी एसिमेट्रिकल नेटवर्क के किसी दूसरे एसिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट साइड में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे ZI1 को और आउटपुट पोर्ट से मेजर करेंगे इम्पीडेंस को, तो जो इम्पीडेंस यहाँ पे कनेक्ट किए थे पहले नेटवर्क जो एसिमेट्रिकल नेटवर्क था उससे आउटपुट पर सेम वही इम्पीडेंस यहाँ पे भी आ जाए तो इसको बोलते हैं इमेज इम्पीडेंस। ZI2 यहाँ पे आ जाए तो जो दोनों है ZI1 और ZI2 ये दोनों
इमेज इम्पीडेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो यह होता है इमेज इम्पीडेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा इसका, इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। तो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट या इम्पीडेंस, तो यहां पे देख सकते हैं कि जो इमेज ट्रांसफर इम्पीडेंस होता है या इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट होता है उसको डिनोट करते हैं थीटा आई से। ठीक है, तो जो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट होता है वो पीएस और पीआर, पीएस क्या है, जो सोर्स का पावर है और जो लोड का पावर है, इन दोनों का नेचुरल लॉगरिथम का हाफ होता है इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट या इम्पीडेंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक नेटवर्क है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। यहाँ पे इसका आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पे एक इम्पीडेंस कनेक्ट है जेड आई टू, और इसके इनपुट पोर्ट पर एक कनेक्ट है क्या, इम्पीडेंस जेड आई वन। ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इनपुट पोर्ट से आई एस है, और जो आउटपुट पोर्ट से फ्लो हो रहा है करंट वो आई आर है, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वी एस है, और आउटपुट पोर्ट पर जो वोल्टेज है वी आर है। तो जो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट होता है वो थीटा इक्वल टू होता है 1/2 लॉग ई पी एस अपॉन पी आर। ठीक है, तो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट या इमेज ट्रांसफर इम्पीडेंस जो थीटा आई होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो थीटा इक्वल टू ए प्लस जे बीटा। ठीक है, जहां पे जो ए है वो क्या है, इमेज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, और जो बीटा है वो इमेज फेज कांस्टेंट है। तो जो ए होता है वो रियल नंबर होता है, वो रियल पार्ट होता है, थीटा आई का रियल पार्ट होता है, और जो बीटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, किसका, थीटा आई का। ठीक है, तो इमेज जो ट्रांसफर कांस्टेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला इसका, इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं इटरेटिव ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो जो थीटा आई टी होता है उसको बोलते हैं इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट। ठीक है, तो 1/2 लॉग पी एस अपॉन पी आर, इसको बोलते हैं इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट। पी एस जो सोर्स का पावर है और जो लोड का पावर है, इन दोनों का जो रेशियो है उसका लॉगरिथम लेंगे और इसका हाफ कर देंगे, तो इसको बोलते हैं इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट। और यहां से देख सकते हैं एक फार्मूला और आता है, जब हम लोग पी एस की जगह पर वी एस और आई एस पुट कर देंगे और पी आर की जगह पे वी आर और आई आर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक और फार्मूला आ जाता है, थीटा आई टी इक्वल टू आ जाता है 1/2 लॉग वी एस आई एस अपॉन वी आर आई आर। ठीक है, ये एक फार्मूला और हो गया इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नेटवर्क है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, यह इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट पोर्ट पर एक इम्पीडेंस कनेक्ट है जेड आई टी वन, और इस पोर्ट पर एक कनेक्ट है इम्पीडेंस जेड आई टी टू। ठीक है, और यहाँ का जो इनपुट सोर्स है उसका जो वोल्टेज है, इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है वी एस है, और आउटपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है वी आर है। इनपुट में जो करंट फ्लो हो रहा है आई एस है, जो आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा है वो आई आर है। तो इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट क्या होता है कि जो इन दोनों का पावर रहेगा, जो इनपुट का पावर रहेगा और जो आउटपुट का पावर रहेगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसका जो हम लोग लॉगरिथम लेंगे और 1/2 कर देंगे, तो इसको बोलेंगे हम इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक यू सो मच।